हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कीर्ति श्रीराम कुलकर्णी एंड आई एम फ्रॉम गोखले एजुकेशन सोसाइटीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज जवार। फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल फॉर द एस वाई बी एस सी केमिस्ट्री पेपर 3 सेमिस्टर 3 एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनालिटिकल डेटा। सो हियर वी आर टेकिंग द थर्ड रिविजन लेक्चर वेयर वी विल सी how the sampling is carried out, right? So in our last two revision lectures we have discussed about the importance of analytical chemistry, then how you are involved with qualitative and quantitative analysis, okay, what are the different methods of chemical analysis, that is classical and non-classical methods, and finally we have come towards the sampling. So sampling technique is very important to perform the experiment which will give you the correct idea about the universe. And here there are three sampling, that is sampling of solid, liquid and gases. So in the case of solid, there are certain criteria by which you can carry out the sampling of solid, right? So the sampling material means the universe can be homogeneous or heterogeneous in nature. So most of the cases it is heterogeneous only, so you have to uniformly grind the collected material, okay? So जो भी material आप collect कर रहे हो as a sample, उसको आप लोग आपको uniformly grind करना है, and then you have to apply the particular method that is called as coning and quartering, okay? So आप जो sample collect करोगे, it should be collected with the help of various instruments like auger, shovel, chisel, etc. ये सब हम लोगों ने अपने मेन लेक्चर में देखा है कि कैसे ये यूज करते हैं हम लोग. एंड फाइनली यूजिंग दिस यू हैव टू कलेक्ट यूअर मटेरियल, उसमें से जो इम्प्योरिटी है हैंड पिकिंग से उसको रिमूव करना है, एंड देन यू हैव टू मेक कोन आउट ऑफ दैट. ओके, जो भी मटेरियल आपने होमोजेनाइज किया है उसको पहले कोन करना है, फिर उसके टू पार्ट्स करने हैं, टू पार्ट्स को फिर फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एज क्वार्टरिंग. और उसमें से एक एक पार्ट वो भी क्रॉस सेक्शनली आपको एज अ सैम्पल यूज़ करना है. ओके, सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड एंड इट विल गिव यू द करेक्ट आइडिया अबाउट योर यूनिवर्स, राइट? देन कमिंग टुवर्ड्स द सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड, मोस्ट ऑफ द केसेस द लिक्विड इज ऑलवेज होमोजेनियस, बट समटाइम इट इज ऑल्सो heterogeneous. Okay, so the sampling method is decided whether the liquid is at the rest or it is flowing. Okay, कोई pond है, lake है, तो उसमें आपका liquid मतलब water it is in rest condition, लेकिन अगर river है तो वहाँ पर वो liquid flow होता होगा. So depending upon that you have to choose the correct sampling technique. For that you have to select the apparatus which is also known as split tube thief. Okay, तो हम लोगों ने देखा है कि इसे थीफ कहा जाता है बिकॉज इट विल कलेक्ट द सैम्पल विदाउट एनी बायस. आपको एक पर्टिकुलर एरिया का सैम्पल वो अच्छे से कलेक्ट करके देगा, राइट? सो इट इज़ अ ट्यूब लाइक अपैरेटस, उसके अंदर एक ट्यूब होता है और बाहर एक ट्यूब होता है, जैसे कि हमारा लिपस्टिक होता है ना. सो व्हेन यू रोटेट इट, अंदर का ट्यूब बाहर आएगा एंड यू हैव टू इंसर्ट इट इन द water reservoir or somewhere, and then again you have to close it and remove it outside so that you will collect the exact amount of sample at the different layers. तो उसकी जो बनावट है ऐसी होती है कि water अलग अलग level से आपको मिलने वाला है ना. Sampling करते time ये सारी techniques बहुत important होती है कि sample सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि depth से collect करना है. Depth से मतलब जितनी भी वॉटर रिजर्वायर की डेप्थ है, जी काही खोली असते त्या खोलीप्रमाणे आपल्याला सॅम्पल कलेक्ट करायचा आहे, राईट? सो दॅट स्प्लिट ट्यूब थीब इज व्हेरी इसेन्शियल अँड ऑल्सो व्हेरी यूजफुल टू कलेक्ट दिस टाईप ऑफ सॅम्पल. फिर ये कलेक्ट किया हुआ सॅम्पल आपको लॅब में लाना है, उसको पर्टिक्युलर ट्रीटमेंट देना है ना, अँड देन यू हॅव टू कीप इट इन अ सेफ वे in plastic container or glass container so that up to analysis it should be remain as it is. उसमें कोई changes नहीं आने चाहिए. Sampling store करके रखना भी बहुत important होता है. Then coming towards the sampling of gases,
दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर वन टाइप ऑफ गैस और मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेस. ओके, सो इट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एट विच यू हैव टू परफॉर्म द सैम्पलिंग. ओके, सो आपको एक ही दिन में सैम्पलिंग कर सकते हैं आप लोग, या फिर वीकली सैम्पलिंग कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट सैम्पलिंग इज कैरिड आउट. ओके, यू हैव टू टेक द सैम्पल इन अ कंटिन्यूअस मैनर. अगर आपका वीकली प्लान है तो आप हर एक वीक को एक पर्टिकुलर डे चूज करके उसी टाइम पे सैम्पलिंग करना चाहिए आपको. फॉर डूइंग दैट यू हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग प्रोब. ओके, सो सैम्पलिंग प्रोब इज़ हैविंग टू टाइप ऑफ वेसल्स, और वी कैन से ट्यूब इन दैट, वेयर यू हैव टू कलेक्ट और एब्जॉर्ब द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस विच इज़ टू बी सैम्पल्ड. जिसका एनालिसिस करना है वहाँ से आपको थोड़ा सैम्पल कलेक्ट करना है. ओके, सो आप बहुत सारे पोर्शन कलेक्ट करोगे, वी कैन से दैट इज़ इंक्रीमेंट, एंड फाइनली दैट इंक्रीमेंट्स आर टेकन टुगेदर टू मेक द ग्रॉस सैम्पल. मतलब सारे जो पोर्शंस है सैम्पल के वो इकट्ठा करने हैं और उसमें से ग्रॉस सैम्पल बनाना है. फिर इस ग्रॉस सैम्पल को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग उससे सैम्पल रिमूव करेंगे फिर से, और उसमें से एनालिसिस कैरी आउट करेंगे. सो यूजिंग द सैम्पलिंग प्रोब, इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन विच विल गिव यू द करेक्ट आइडिया अबाउट यूर यूनिवर्स. ओके, सो इस तरीके से वो सैम्पल जो होगा इट विल रिटेन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग यूनिवर्स. ओके, सो दिस वे आप अलग अलग एपरेटस यूज करके सैम्पलिंग कर सकते हो, और फिर सैम्पल कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस कर सकते हो. फिर हम लोग आएंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ एरर्स इन एनालिसिस. सिर्फ एनालिसिस क्या होता है या फिर उसको कैसे करते हैं, सैम्पल कलेक्ट करना पड़ता है एनालिसिस करने के लिए, है ना. हम लोगों ने ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है कि किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट में भी क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या प्रेजेंट है, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. ये करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग. ओके, और सैम्पलिंग के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं एनालिसिस करने के लिए. तो ये सब करने के बाद भी देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिजल्ट. हमारा रिजल्ट जैसे रिक्वायर्ड है वैसा कभी नहीं आता, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है. सो दैट प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स और सम टाइप ऑफ इंटरप्शंस आर कॉल्ड एज एरर्स. ओके, तो ये एरर जो है इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट व्हेन यू राइट द रिजल्ट्स, देर आर ऑलवेज सर्टन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर इन योर रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड एज एरर्स. ओके, सो एक्चुअली एरर्स आर वॉट, एरर्स आर द डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जो रिजल्ट हमें चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम के पहले और हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन उतने आते नहीं हैं, कभी कभी कम आ जाते हैं, है ना. सो दैट इज़ वी कैन से एरर इन आवर स्टडीज़. कुछ तो प्रॉब्लम होती है, एक तो स्टडीज़ अच्छे से नहीं होता है, या एग्ज़ाम के टाइम हम लोग रिकलेक्ट नहीं कर पाते, या कभी कभार हम एग्ज़ाम की जगह पे वक्त पे पहुंच नहीं पाते, या फिर अभी जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया तो आपका नेटवर्क चला जाएगा. कुछ तो प्रॉब्लम्स आते एंड यू कैनॉट परफॉर्म वेल, योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क जितना आपने एक्सपेक्ट किया है. तो ये जो सारे बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एरर्स. और ये एरर क्यों आते हैं, अभी हम लोगों ने लिस्ट प्रिपेयर की, वक्त पे ना आना, स्टडी कम होना, है ना, नेटवर्क चला जाना, ये सारे क्या है, कॉजेस ऑफ एरर. तो उसी तरह से रिजल्ट जब हम एक्सपेरिमेंट का लिखते हैं तो उसमें क्या आते हैं, एरर्स. ओके, सो एरर इज़ एक्चुअली डेविएशन. डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट से दूर चले जाना, कम रिजल्ट आना या ज़्यादा आना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एरर. ओके, तो ये एरर जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर. ओके, एरर डिटर्मिनेट अगर होती है तो क्या होता है, दे कैन बी मेजर्ड एंड अकाउंटेड फॉर एटलीस्ट द प्रिंसिपल बाय विच दे हैव ऑकर्ड. मतलब जो एरर जिनका कॉज हम लोग पता कर सकते हैं
उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर, है ना। जैसे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए तो हम लोग बोलेंगे अरे मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ। सो ये कॉज क्या है, सुधार सकते हैं या डिटेक्टेबल है, या फिर मेरा इंटरनेट ही चला गया, है ना। सो ये कॉज भी हमें पता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनेट एरर। मतलब ऐसे एरर जिनका कॉज या ओरिजिन पता है ना। सो दैट कैन बी रिमूव्ड और दैट कैन बी मिनिमाइज, उनको कम कर सकते हैं या पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेट एरर। एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट एरर। तो ये ऐसी एरर्स होती है जिनका कॉज या ओरिजिन पता ही नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे यार मेरा तो सब सही था, मैंने ठीक से पढ़ाई की थी, मेरा इंटरनेट भी अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन पता नहीं कैसे कम मार्क्स आ गए। दैट मीन्स व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर लेस मार्क इज़ नॉट नोन। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग रिजल्ट लिखते टाइम या करते टाइम सब सही है और फिर भी हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कम ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर वेयर इनडिटर्मिनेट एरर। मतलब ऐसी एरर्स आ गई जिनका ओरिजिन या फिर जिनका कॉज पता ही नहीं था, है ना। सो देर आर डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर्स। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेट टाइप कौन कौन से, डिटर्मिनेट एरर के टाइप्स कौन कौन से। अभी ये एरर हमें पता होती है ना, उसका ओरिजिन पता है तो उसको हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जो चीज़ पता है उसी का हम लोग ओरिजिन फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेट एरर चार टाइप के हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है या फिर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है या फिर देर आर सम इम्प्योर केमिकल, है ना, या फिर जो रीडिंग डिवाइस है आपके इंस्ट्रूमेंट का उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ग्लासवेयर फॉल्टी है ना, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है दे कम अंडर इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर्स आते हैं एक्सपेरिमेंट में उसे हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर। फिर दूसरा है मेथोडिक एरर। मेथोडिक एरर में क्या होगा, जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसी में ही कुछ फॉल्ट हो सकती है। ओके, सो दैट टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड एज मेथोडिक एरर। जैसे कि अगर हम लोग ग्रेविमेट्री कर रहे हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। सो देर आर सर्टन टेक्निकल प्रॉब्लम्स विच ऑकर इन मेथड विच इज़ नोन एज मेथोडिक एरर्स। थर्ड टाइप इज़ ऑपरेशनल एरर। देखो सब सही है, आपके इंस्ट्रूमेंट सही है, आपकी प्रोसीजर भी सही है, आप भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ऑपरेशन मतलब जो एक्चुअल प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं उसी में ही कुछ फॉल्ट आ रही है। जैसे कि लॉस ऑफ सैंपल, रखा हुआ है टेबल पे, हवा आ गई, गिर गया, दैट इज़ ऑपरेशनल एरर, है ना। या फिर हम लोग प्रेसिपिटेट ली है, उसको ड्राई करने के लिए अवन में रखा है, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छे से ड्राई किया ही नहीं, उसमें कुछ मॉइस्चर बच गया, सो उसका वेट ज़्यादा आएगा, दैट इज़ योर ऑपरेशनल एरर, आपने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया, है ना। या फिर अगर किसी वजह से आपका सैंपल स्पिल हो जाता है, लिक्विड अगर कोई सैंपल है वो गिर गया, दैट ऑल आर ऑपरेशनल एरर्स। एंड फाइनली देर आर पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर मतलब जो हमारी वजह से हो रहा है, जैसे कि देर इज़ सम टाइम कलर ब्लाइंडनेस, कलर चेंज हो रहा है ब्लू टू वाइन रेड, लेकिन अगर आपको वो कलर डिस्टिंग्विश ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि कब ब्लू था और कब वाइन रेड हुआ, देन देर इज़ पर्सनल एरर। या फिर हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि वी ऐड मोर एंड मोर ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। जैसे फिनोप्थेलिन हमको कितना ऐड करना होता है, जस्ट टू बिकम लाइट पिंक, बट वी ऐड सम मोर ड्रॉप्स। सो देर आर सर्टन एरर्स विच आर फिक्स्ड इन आवर माइंड, जो करने वाले की वजह से होते, दे ऑल आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेट एरर। देन अगेन देर आर टू मोर टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट एरर। सो दिस कॉन्स्टेंट एरर आर इंडिपेंडेंट ऑफ सैम्पल साइज। वो सैम्पल साइज जो है, वेट है, उससे इंडिपेंडेंट होते, लेकिन दे कम बिकॉज ऑफ द सर्टन एरर इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट करने में अगर आपका एरर आ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट एरर। जैसे कि मान लो आपको वे करना है 500 मिलीग्राम,
है ना, लेकिन आप हर टाइम 500.5 मिलीग्राम वे कर रहे हो, तो जितने भी बार आप सैंपल कलेक्ट करोगे हर टाइम 0.5 मिलीग्राम का एरर आएगा. सो दैट टाइम वी विल से इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ एरर. तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट. आपको हमेशा 500 ही ग्राम लेना है, लेकिन हमेशा आप लोग 500.5 मिलीग्राम ले रहे हो, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट एरर. देन द नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज प्रपोर्शनेट एरर. ओके, सो प्रपोर्शनेट एरर इंक्रीजेस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द सैम्पल साइज. यहाँ पे सैम्पल साइज या वेट मैटर करता है ना. जैसे कि टाइट्रेशन करते वक्त अगर आप क्या कर रहे हो, जो आपको मानो 10 ml लेना है लेकिन आप उससे ज़्यादा ले रहे हो, तो क्या होगा, आपको जो ब्यूरेट सॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. तो एवरी टाइम आपको जो रीडिंग एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ज़्यादा आने वाला है. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट एरर. सो दीज आर 6 टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर्स. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इनडिटर्मिनेट एरर. इनडिटर्मिनेट एरर के बारे में मैंने अभी बोला कि दे आर अननोन और अनसर्टन इन द मेजरमेंट्स. उसका ओरिजिन या उसका कॉज पता नहीं कर सकते. सब सही है, इंस्ट्रूमेंट सही है, मेरा मेथड सही है, मैंने जो परफॉर्म किया अप टू माय लेवल मैंने सही किया, फिर भी मेरा रिजल्ट थोड़ा बहुत गलत आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर वेयर इनडिटर्मिनेट एरर. कहाँ से एरर आया पता नहीं. ओके, सो देयर फॉर देयर ओरिजिन एंड देयर कॉज इज नॉट नोन. सो दीज अनसर्टनटीज आर ऑकर बिकॉज ऑफ अनसर्टन रीजन्स. सो इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, है ना. तो ये इंडिटर्मिनेट एरर अगर हम लोगों को कम करना है तो हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं ना. सो सबसे पहले ज़रूरी है एक्यूरेसी. सो व्हाट इज़ एक्यूरेसी, मतलब इंडिटर्मिनेट एरर आने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट में और आपका ऑब्जर्व रिजल्ट में, तो उसको तो हम लोगों को कम करना है ना. तो कम करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, एक्यूरेसी. सो एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन योर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ट्रू वैल्यू, मतलब आपका आंसर कितना एक्यूरेट है. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, राइट. फिर उसके बाद आता है प्रिसीजन. प्रिसीजन इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन मेनी वैल्यूज़ ऑफ योर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. मान लो कि वो चीज़ सही है या नहीं है, आपका आंसर सही है या थोड़ा बहुत गलत भी है, लेकिन बहुत सारे सैंपल के लिए आपको सेम आंसर आया, रिपीटेटिव आंसर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिसीजन. फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सैंपल लेंगे और उसका मीन फाइंड आउट करेंगे, है ना. ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम लोग एक ही सैंपल लेंगे और उसका ही आंसर निकालेंगे तो दैट विल नॉट गिव यू करेक्ट आइडिया अबाउट द ट्रू रिजल्ट और करेक्ट रिजल्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कलेक्ट मेनी सैंपल और उसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो वैल्यू भी एक तरीके से नहीं आएगा, अलग अलग आएगा. तो फिर वो सारे सैंपल को इकट्ठा करके उसकी वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, मीन. सो मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सारे जो आपके सैम्पल है उनकी वैल्यू निकालो, उनको ऐड करो एंड डिवाइड इट बाई द नंबर ऑफ सैम्पल्स, सो दैट विल गिव यू द मीन. देन द सेकेंड टाइप ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू वैल्यू इज़ कैलकुलेटिंग द मेडियन. ओके, सो मेडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू अरेंज द सैम्पल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और सेंट्रली जो वैल्यू आती है उसे हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेडियन. देन देयर इज रेंज. तो ये रेंज क्या होती है, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू. आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है सैंपल्स में से और जो लोएस्ट वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. ओके, देन देयर इज एब्सोल्यूट डेविएशन. सो एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, इट इज़ द न्यूमरिकल डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड योर मीन. मतलब जो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन मिला है, जो आप लोगों को फाइंड आउट हुआ है उसमें से और जो आपने मीन निकाला है ना, उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन. देन देर इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन.
So standard deviation is denoted by sigma, which is also very important to find out the errors in your sample. And finally, there is variance. So variance kya hota hai? It is the square of your standard deviation. So applying all this technique, we can decrease or we can try to decrease the indeterminate errors. Now finally, what we will see, how the correction in determinate errors can be carried out. So before that, whatever terms we have seen here, that we have discussed in various numerical problems. So aap wo videos dekho, wahan pe hum logon ne numericals solve kiye hue, and that numericals will give you the idea about how to calculate mean, median, range, etc. aur fir uski madad se hum log errors ko kis tarike se kam kar sakte hain, right? Then finally coming toward correction of determinate error. तो जो इनडिटर्मिनेट एरर है, जिनका ओरिजिन हमें पता ही नहीं रहता है ना, सो हम लोगों के हाथ में क्या है, वी कैन जस्ट डिक्रीज द डिटर्मिनेट एरर. तो डिटर्मिनेट एरर के ओरिजिन्स पता होते हैं, इसलिए उसे कम करने की कोशिश भी हम लोग कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलिब्रेट अवर अपैरेटस. अपैरेटस अगर आप अच्छे से कैलिब्रेट करते हो, तो देर इज़ चांस दैट यू विल डिक्रीज द डिटर्मिनेट एरर. Then control determination. Whenever you get the substance, जो experimental condition है वो आपको identical रखनी है, ideal रखनी है, and that way you can carry out control determination of any sample. Then there should be proper training given to the analyst. जो भी experiment कर रहा है आदमी बंदा, उसको proper training होनी चाहिए. Then there is blank determination. Blank determination मतलब क्या, आप सैंपल जो लेते हो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को डालना पड़ता है. वाटर यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड सर्टेन केमिकल्स. सो ब्लैंक डिटर्मिनेशन मतलब विदाउट एडिंग द मेन सैंपल, बाकी सारी चीज़ों को आपको ऐड कर लेना है. वाटर होगा, केमिकल होंगे, इंडिकेटर्स होगा, ब्यूरेट सोल्यूशन, अदर पिपेट सोल्यूशन, उन सबको ऐड करके ओनली विदाउट एडिंग सैंपल यू हैव टू कैरी आउट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. तो उसमें भी आपको सर्टन रीडिंग मिल सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैंक डिटर्मिनेशन. तो ये ब्लैंक डिटर्मिनेशन का रीडिंग आपको सैम्पल के रीडिंग से माइनस करना होगा, देन देयर विल बी योर एक्चुअल रिजल्ट रीडिंग. देन देयर इज सर्टन मेथड विच इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस. हमेशा सिर्फ एक ही मेथड से आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई सर्टन डिफरेंट टेक्निक्स. जो एक्सपेरिमेंट आप ग्रेविमेट्रिकली कर रहे हो, उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिकली भी करेंगे, सो दैट वी विल गेट द करेक्ट आंसर. सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड्स. देन देर इज स्टैंडर्ड एडिशन मेथड. स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द सैम्पल एंड वी विल अप्लाइड सर्टन फिजिको केमिकल प्रोसीजर्स सच एज पोलारोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. तो बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, अगेन देर आर चांसेस टू डिक्रीज द डिटर्मिनेट एरर. नेक्स्ट टेक्निक वी कैन यूज इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन मेथड. सो इट इज़ यूज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल. जैसे हम लोगों को पता है एम्पलीफायर्स, अगर साउंड कम आ रहा है तो हम उसको एम्पलीफायर लगा के बढ़ा देते हैं, है ना. उसी तरीके से अगर आपका सैम्पलिंग वॉल्यूम या सैम्पलिंग साइज बहुत कम है, देन वी विल यूज़ द एम्पलीफिकेशन मेथड टू गेट द करेक्ट रिजल्ट, राइट. एंड फाइनली देर इज़ वन टेक्निक नोन एज आइसोटोपिक डायल्यूशन. तो ये जो टाइप की मेथड है, ये रेडियो एक्टिव सोल्यूशंस के लिए यूज़ होती है. ओके, सो दिस वे अप्लाइंग दिस डिफरेंट टेक्निक यू कैन करेक्ट द डिटर्मिनेट एरर और यू कैन ट्राई टू रिड्यूस द डिटर्मिनेट एरर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ योर फर्स्ट यूनिट. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट. टिल दैट यू टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू.